नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? हमने देख लिया कि हम लोग रेट ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड को। अगर हमें रेट ऑफ मोशन को और स्पेसिफाइड और अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो हम डायरेक्शन भी बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर हमें बताना है कि कार इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन किस साइड मूव कर रही है, कहाँ पे मूव कर रही है, उसकी पोजिशन के कहाँ पर है, वो सब स्पेसिफाई करने के लिए अगर हम साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दे तो हमें जो है इन्फॉर्मेशन मोर कन्वीनियंट, मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब हम डिस्टेंस ट्रैवल के साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? इट इज डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में हम डिस्टेंस लेते हैं बट साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। और आपको बताया डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में हम लोग क्या यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो SI यूनिट क्या हो गई वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड, दैट इज ms माइनस वन। और CGS यूनिट क्या हो गई? सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज सेंटीमीटर s माइनस वन। और कॉमन यूनिट आप किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हो। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ यही डिफरेंस है, स्पीड में हम डिस्टेंस ट्रैवल लेते हैं बट हम उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। वेलोसिटी में हम डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं वेलोसिटी में, तो देख अगर हम इस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं देन इट विल कम आउट टू बी वेलोसिटी। अगर हम ओनली डिस्टेंस यूज कर रहे हैं देन इट विल कम आउट टू बी स्पीड। तो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसके अंदर हम डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते, बट वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें हम डायरेक्शन इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला स्पीड ऑफ अ कार इज 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ कार इज 24 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसको हम स्पीड बोलेंगे, इसको हम वेलोसिटी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्शन इंक्लूड कर दी है। जरूरी नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा सेम आए, इट कैन बी डिफरेंट। अभी हम एग्जाम्पल लेके स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज बाय चेंजिंग। अब देखो वेलोसिटी में दो टर्म्स होती है, एक तो दिस मैग्नीट्यूड, एक ये डायरेक्शन। अगर हम खाली मैग्नीट्यूड चेंज करते जाए, ठीक है, जैसे अगर 25 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स इट, फिर मैं बोल रही हूँ इट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्ट, फिर मैं बोल रही हूँ इन द नेक्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही बट स्पीड चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड दिस वैल्यू इज चेंजिंग, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ओनली। अगर हम खाली मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम रख रहे हैं, तब भी हम वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। अब देखो यहाँ पे जब बॉडी थी इसकी डायरेक्शन ये थी, जब यहाँ पे आई इसकी डायरेक्शन ये हो गई, जब यहाँ पे आई इसकी डायरेक्शन ये हो गई, एंड इट इज मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो मैग्नीट्यूड है उसका चेंज नहीं हो रहा, वो पूरा सर्कुलर मोशन किस स्पीड से कर रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले वो इधर जा रहा था, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरिएबल वेलोसिटी, दिस विल ऑल्सो काउंट एज अ वेरिएबल वेलोसिटी, क्योंकि इसमें हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो अगर खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी हम वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे, खाली डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हम वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे, और दोनों चीज चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जैसे 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे था, यहाँ पे पहुंचा तो 25 किलोमीटर हो गया, यहाँ पहुंचा तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो मीन्स हम दोनों चीज भी एक साथ चेंज कर सकते हैं, तब भी उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली, बाय चेंजिंग डायरेक्शन ओनली, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो
यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में यही डिफरेंस होता है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही. यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स है. फिक्स कैसे होगी? जब इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, जब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी. ठीक है, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अगर एक भी चीज चेंज हो गई तो हम उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी. तो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है, सर्कुलर मोशन में जब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं. टेंजेंट क्या होता है? वी विल लर्न इन द सर्कुलर चैप्टर. वैसे लेटमी एक्सप्लेन. ये है, यहाँ पे अगर मेरे को टेंजेंट निकालना है तो यहाँ पे मैं सेंटर को यहाँ से ज्वाइन करूंगी और यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दूंगी. दिस वुड बी द टेंजेंट. यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर निकालना है, इसको ड्रॉ कर दूंगी, यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर दूंगी. तो रेडियस के साथ टेंजेंट का एंगल हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है. तो एज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन. ठीक है, और इसी फॉर्मूले को वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी से भी रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को हम और क्या लिख सकते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, अगर हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, तो उस केस में भी हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी. देयर इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बट उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन समझनी पड़ेगी. तो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई एक्सप्लेन अबाउट द एक्सेलरेशन. ठीक है, अब इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल कराती हूँ. मैंने आपको क्या बोला अभी कि जो वेलोसिटी है और स्पीड है उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? दोनों का सेम हो सकता है. जैसे हमने लिया एक ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. इन दोनों के बीच पे डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. ठीक है, या 100 मीटर भी. एक बॉय है, ठीक है, हुज नेम इज सी, उसको ए से बी पहुंचने में टाइम लग रहा है 50 सेकेंड्स. ठीक है, और ए से बी इज इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. ए से बी, बी जाने में कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 100/50, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पोजिशन. फाइनल पोजिशन क्या है? बी. इनिशियल क्या है? ए. तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 100 ओनली. दिस इज 50, कैंसिल, 2 मीटर पर सेकेंड. बट यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? टूवर्ड्स ईस्ट. ठीक है, तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है. मैग्नीट्यूड कब सेम है? व्हेन इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन सिंगल डायरेक्शन. जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तब स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है. नाउ इसी एग्जांपल को मॉडिफाई कर देते हैं. वो ए से बी गया, फिर बी से ए आया, बी से वापस कहां आया? ए आया. अब इस केस में हमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है. ये था फ्रॉम ए टू B. Now we are going to calculate from A to B and back B to C. So average speed क्या होगा? Total distance upon total time. Total distance कितना है? A से B गया 100 और B से A वापस, B से A वापस आया तो 100, यहाँ पे मैं A लिखना चाहिए था. A से B गया 100 and B से A वापस आया 100. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 200. ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ ए से बी और बी से ए, बी से ए वापस आने में उसे कितना टाइम लगा? 50 सेकेंड ही लगे. ठीक है, तो 200 अपॉन 50 प्लस 50, दैट इज टोटल टाइम. ठीक है, तो मेरा ये कितना हो गया? 200/100, दैट इज 50 प्लस 50 100 2 मीटर पर सेकेंड. कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड. दिस वुड बी द एवरेज स्पीड. और एवरेज वेलोसिटी कितनी हुई मेरी?
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. अब इनिशियल पॉइंट भी ए था, ए से बी गया, वापस बी से ए आया, तो फाइनल पॉइंट भी ए है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो. और टाइम कितना लिया उसने इसको करने के लिए? 100 सेकेंड. दैट मीन 0 मीटर पर सेकेंड, दैट इज जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जीरो टूवर्ड्स, हम डायरेक्शन इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वो इनिशियल फाइनल पोजिशन सेम है, डिस्प्लेसमेंट में ही उसकी डायरेक्शन इंक्लूड हो गई है. ठीक है, जीरो ही हमें बता रहा है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है. ठीक है, अगर यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होता, यहाँ तक गया होता, तब हम टूवर्ड्स ही लिख सकते थे. जीरो के साथ डायरेक्शन लिखने का कोई यूज नहीं है क्योंकि जीरो हमें खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन सेम है. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी केस में क्या हो गया? जीरो. तो ऑब्जेक्ट ने क्या की थी? अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, ए से बी गया और बी से वापस ए पे आया. तो व्हेन इट चेंजेस डायरेक्शन, तो एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या आया? डिफरेंट आया. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी सेम, अदरवाइज इट विल नॉट बी सेम. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी. तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आप क्या डिफरेंस लिख सकते हैं? स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, एंड वेलोसिटी इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम टेकन. नाउ स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम दोनों देखते हैं. स्पीड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, स्पीड के नॉट बी जीरो और के नॉट बी नेगेटिव. बट जो वेलोसिटी एवरेज स्पीड, ओके, बट जो एवरेज स्पीड जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती. बट जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. नेगेटिव हमें क्या बताएगा? उसकी अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रही हूं ए से बी गया और फिर बी से वापस इस डायरेक्शन में सी गया, एंड सी पॉइंट इज ए से अहेड है, तो इस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी. क्यों? नेगेटिव हमें क्या बता रहा है? इसकी ये वाली डायरेक्शन. क्या आप ये भी ले सकते हो, ए से बी गया और बी से सी यहां तक आया, तो दिस विल ऑल्सो कम आउट टू बी नेगेटिव. नो, नॉट नेगेटिव, क्योंकि वो ए से सी इधर ही बताएगा. ठीक है, अगर सी ए को क्रॉस कर गया देन इट विल टेल अबाउट द डायरेक्शन की सी वुड बी नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब उसका थोड़ा और आ गया है, ए से वो यहां मूव कर गया. वही डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड ऑलवेज हैव सम पॉजिटिव वैल्यू. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी. नाउ देयर इज अ न्यूमेरिकल दैट अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टूवर्ड्स नॉर्थ इन 5 आवर्स. एक कार है जो दिल्ली से अंबाला जा रही है, लाइक दिस इज दिल्ली एंड दिस इज अंबाला विच इज 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द दिल्ली. बोल रहे यहां से यहां तक जाने में उसी कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर. हमें कैलकुलेट करनी है उसकी स्पीड और वेलोसिटी. अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. स्पीड क्या होता है? सबसे पहले आप फॉर्मूला ध्यान में रखिए. स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन. ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 200 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना किया है हम लोगों ने? 200 किलोमीटर. और टाइम टेकन इज 5 आवर. स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? 200 / 5 किलोमीटर एंड आर. ठीक है, किलोमीटर के साथ आर ही रखता है, इसका मतलब यूनिट हमारी सही है. यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि आप आंसर इस यूनिट में निकाल रही है इसमें, तो इसीलिए हम ये यूनिट यूज कर सकते हैं. बट फॉर एनसीक्यू यू हैव टू सी कि एनसीक्यू के ऑप्शन किस यूनिट में है. तो आंसर वुड बी 40 किलोमीटर पर. वेलोसिटी, अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि इतना डिस्प्लेसमेंट करने में उसे कितना टाइम लगा है. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड
इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे फाइनल पोजीशन क्या है? अंबाला। इनिशियल पोजीशन क्या है? दिल्ली। अंबाला से दिल्ली तक का डिस्टेंस कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 200 किलोमीटर। ठीक है, यू कैन राइट 200 माइनस 0 अपॉन में टाइम इज 5। व्हाई वी हैव डन इज 0, क्योंकि अंबाला कितनी दूरी पे 200 और दिल्ली कहाँ पे था? 0, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना था, इसलिए 200 माइनस 0 अपॉन 5। अब किस डायरेक्शन में है ये? टुवर्ड्स नॉर्थ। किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालते हुए हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इट। 200 माइनस 0 इज 200 अपॉन 5, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आया? यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही था, तो वैल्यू सेम आई, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी, सिर्फ वैल्यू सेम आई। लेकिन फॉर स्पीड हम लोग डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे, बट फॉर वेलोसिटी वी नीड टू मेंशन द डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। Now here is a question that a bus covers a distance of 250 km from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours in the morning. एक बस है जो दिल्ली से जयपुर गई है वेस्ट डायरेक्शन में और उसने 250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 5 hours में एंड रिटर्न्स टू दिल्ली और वापस दिल्ली आई है इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस कवर किया मतलब उसने सेम पाथ फॉलो किया बट इन द रिवर्स डायरेक्शन इन 5 hours। हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पूरी जर्नी। पूरी जर्नी क्या है? दिल्ली से जयपुर एंड जयपुर से दिल्ली आना। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है? फर्स्ट ऑलवेज राइट द फॉर्मूला ताकि आपको पता चले आपको क्या निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन द टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? टोटल distance travel is equal to Delhi से जयपुर गया 250 किलोमीटर, जयपुर से दिल्ली आया वापस से 250 किलोमीटर, तो इट वुड बी टोटल डिस्टेंस दैट इज 500 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन वुड बी 5 + 5 जाने में और 5 वापस आने में। 5 + 5 hours, that is 10 hours. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस दैट इज 500 अपॉन में टोटल टाइम कैंसिल, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ फॉर एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन अब डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? दिल्ली से जयपुर गया और वापस जयपुर से दिल्ली आ गया, मतलब स्टार्ट भी दिल्ली से किया था एंड भी दिल्ली से किया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो इट वुड बी 0 अपॉन कितना टाइम लिया? 5 जाने में 5 आने में, दैट इज 10। आंसर क्या आ गया? 0 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है यहाँ पे? 0, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी? 0, बट एवरेज स्पीड कितनी आई? 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या था? 500 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 ये शो कर रहा है कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजिशन क्या है? सेम है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। हम लोग अब टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होती है। आपको पता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे जो हम मोशन कंसिडर कर रहे हैं वो हम कंसिडर कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके लिए हम सब कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं इस चैप्टर में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या बताया था मैंने? कि अ बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो
इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट मींस उसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं स्पीड और वेलोसिटी वर्ड सेम यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि वो इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, मीन्स इन फर्स्ट मिनट इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, इन अनदर 1 मिनट इट इज ऑल्सो कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, इन नेक्स्ट 1 मिनट इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। इसका मतलब आफ्टर एवरी 1 मिनट वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर ही कर रहा है। उसका मतलब उसके चेंज इन स्पीड क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है उसकी, जीरो, क्या है, जीरो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। चेंज इन वेलोसिटी जीरो मींस वेलोसिटी क्या है उसकी, कांस्टेंट, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि आफ्टर एवरी मोमेंट उसकी वेलोसिटी सेम है। तो आप अगर किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी चेंज निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो इस केस में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगी, जीरो, क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेशन इज जीरो, दिस पे सिग्निफाई दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसी कंडीशन जो होती है रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट होती है, क्योंकि अगर आप कार भी चला रहे हो तो आपका हमेशा ब्रेक या एक्सेलरेटर पे पैर रहता ही रहता है, कभी आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी आपको कार एक्सेलरेट करनी पड़ती है। तो हमारे रियल लाइफ में हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक कि आपकी जो वेलोसिटी है, जो चेंज हो रही है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अमाउंट से चेंज हो रही है। सेम अमाउंट से मतलब अगर मैंने यहां से मोशन स्टार्ट किया है, ठीक है, इन 1 मिनट माय वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बट आफ्टर 1 मिनट, ठीक है, ये 1 मिनट हो गया, इन नेक्स्ट 1 मिनट या आप बोल दो आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स हम कब कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर रहे हैं, आफ्टर 2 मिनट्स माय वेलोसिटी विल बिकम 20 मीटर पर सेकेंड, नाउ इन द आफ्टर 3 मिनट्स या इन द नेक्स्ट 1 मिनट माय वेलोसिटी विल बिकम 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, हर बार वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मेरी 0 से 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आई एम कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम 0, यहाँ से मैंने टोटल किया, 2 मिनट इज दिस टोटल, 3 मिनट इज दिस टोटल, ठीक है, क्योंकि टाइम जो होता है हमेशा इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। तो एवरी टाइम वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट, इसमें पहले 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुआ, फिर से 10 में 10 ऐड हो गए, वेलोसिटी एवरेज 20 मीटर पर सेकंड हुआ, इस केस में 20 में 10 ऐड हो गया, 30 मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम अमाउंट से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस केस में चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आपका कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्यों बोल रही हूँ, हर बार 10 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जैसे इस पॉइंट पे 0 जो थी उसके मैंने इनिशियल मान लिया, इनिशियल का मतलब क्या है, शुरू में जो मिली थी, आफ्टर 1 मिनट जो वेलोसिटी थी उसको मैंने फाइनल वेलोसिटी मान लिया, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 10 थी, इनिशियल मेरी 0 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज 10 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब मुझे इस टाइम इंटरवल में निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है इन नेक्स्ट 1 मिनट। नाउ फॉर दिस 1 मिनट दिस विल बिकम माय इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मैंने यहां से मोशन अब कंसिडर किया है, ठीक है, एंड दिस विल बिकम माय फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्टॉप करना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे मोशन देखना स्टॉप करना है, नॉट स्टॉपिंग द कार, मैं मोशन यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। तो इस टाइम पे चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड माइनस 10 मीटर पर सेकंड, अगेन इट केम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकंड। नाउ फॉर दिस टाइम इंटरवल मैं देख रही हूँ तो यहां से फिर से ये क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज अगेन 10 मीटर पर सेकंड।
तो चेंज इन वेलोसिटी हमेशा कितना आ रहा है, 10 ही आ रहा है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है, वो चेंज आपकी नहीं होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू है हमारी। तो इस केस में हमारी जो कार है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है, यूनिफॉर्म मतलब हर बार एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल रही हूँ मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन मेरी क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्या है, कॉन्स्टेंट है, हमेशा सेम अमाउंट से ही इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और डिक्रीज भी हो सकती है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यहां तक आपको आई होप क्लियर। नाउ अगर मैं इसी डायग्राम को आप चेंज कर दूं, यहां पे मैं लिखूं ये ए पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी मेरी थी 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट हुई मेरी 15 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट हुई मेरी 30 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट हुई मेरी 35 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी 1 मिनट जब मैंने मोशन देखना स्टार्ट किया उसके 1 मिनट के बाद, इन द देन आफ्टर 2 मिनट्स, देन आफ्टर 3 मिनट्स, देन आफ्टर 4 मिनट्स, ठीक है। तो अब यहां पे हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। अब इस ड्यूरेशन के लिए इन दिस 1 मिनट व्हाट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, 10 माइनस 0 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 15 माइनस 10 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए 13 माइनस 15 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, इसके लिए 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी जो है चेंज तो हो रही है बट एक कॉन्स्टेंट अमाउंट से चेंज हो रही है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई थी, फिर 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई, फिर 15 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई, फिर प्लस 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है बट बाय द नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू, मतलब जो उसकी चेंजिंग इन वेलोसिटी आ रही है वो हर बार डिफरेंट आ रही है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एक कॉन्स्टेंट नंबर नहीं है, वो हर बार एक डिफरेंट नंबर है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब एक्सेलरेटेड तो है बट ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो हमारी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो हमारी हर टाइम पे डिफरेंट आती है। तो एक्सेलरेशन हमें क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन हमें बता रहा है कि जो मोशन है उसका वो किस रेट पे चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जहां पे रेट आ रहा है मतलब हम टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, वेलोसिटी किस रेट पर चेंज हो रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, इनिशियल वेलोसिटी को हमेशा हम डिनोट करते हैं फिजिक्स में यू से, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी से, तो एक्स और टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू टी। तो हमारी एक्सेलरेशन आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, रेट है मींस वी हैव टू डिवाइड बाय टी, ठीक है, वी माइनस यू दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी को कितना टाइम लगा है चेंज होने में उसको हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। आप ये भी कह सकते हो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितने टाइम पे थी हमारी, टी वन, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितने टाइम पे थी हमारी, टी टू। तो आप ऐसे भी कर सकते हो वी माइनस यू अपॉन में टी टू माइनस टी वन, दैट टाइम ऑफ फाइनल
है वेलोसिटी माइनस टाइम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा सेम आती है तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हर टाइम इंटरवल पे डिफरेंट आती है तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेट तो हो रहा है बट इट इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो है प्लस में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। प्लस का मतलब क्या है, आपने एक्सेलरेट किया है, ठीक है, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज की है। ठीक है, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, इट मींस आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, तो v माइनस u हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। नाउ क्योंकि टाइम जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता, तो जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो न्यूमिनेटर है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन इट इज एक्सेलरेशन और रिटार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव आई है, नेगेटिव का मतलब है रिटार्डेशन हो रही है, क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है या डी एक्सेलरेशन हो रही है। अब रिटार्डेशन कब होती है, जब आप गाड़ी रोकते हो, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कम होती जाती है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज्यादा होती है। सपोज अभी मैं गाड़ी में चल रही हूँ बाय द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जब मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 जीरो पे आ गई, रेस्ट पे आ गई, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी मेरी जीरो हुई और इनिशियल वेलोसिटी मेरी 50 किलोमीटर पर आवर था, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरी क्या होगी, लेस देन इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी फाइनल से, तो v माइनस यू मेरा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये टर्म क्या है, कम है और ये टर्म ज्यादा है, कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो जब भी अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरी नेगेटिव आती है, क्या आती है, नेगेटिव, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो दिस इज शोइंग आई एम एक्सेलरेटिंग, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आई एम शोइंग इट इज डी एक्सेलरेटिंग और रिटार्डेशन, मतलब मेरा जो मोशन है ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन की बजाय वो अपोज हो रहा है। ठीक है, अपोज मतलब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती जाएगी, इस मूवमेंट पे कम होती जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल बेस ऑन द एक्सेलरेशन। Now I have earlier told that there is a one more formula for the average velocity. Okay, अब वो formula discuss करती हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया what is acceleration. Average velocity को हम और क्या लिख सकते हैं, initial velocity plus final velocity divided by 2. That means u plus v by 2. ये भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ये कब लिख सकते हैं, when the motion is uniform accelerated, मतलब जो acceleration तो हो रही है लेकिन acceleration हमेशा same amount से हो रही है, तभी हम ये formula use कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी non uniform accelerated motion है तब हम ये formula use नहीं कर सकते, तो हमें ध्यान रखना है ये formula हम कब use करेंगे, when The motion is uniform accelerated motion. तो acceleration में हमने क्या क्या पढ़ा, acceleration zero भी हो सकती है, acceleration positive या negative but same amount से भी हो सकती है, that is constant value, and acceleration जो होती है वो non-constant value भी हो सकती है, मतलब जो value है वो हर बार change होगी। ठीक है, अगर acceleration zero है मतलब change in velocity क्या है उसकी, zero means it is moving with a constant velocity, ठीक है, it means the motion is uniform motion, only uniform motion means velocity is constant, ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है बट कॉन्स्टेंट वैल्यू से है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, कुछ वैल्यू आएगी, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी,
एक्सेलरेशन अगर नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू है मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज सम एवरी टाइम द वैल्यू विल बी डिफरेंट. तो मोशन कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. अब यूनिट्स क्या होते हैं? SI यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन के लिए? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या क्या होगा? वी माइनस यू बाई टी. वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड. बाय वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इज अगेन वेलोसिटी. अगर आप इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करोगे तो वेलोसिटी ही तो आएगा ना. अब रुपीज को रुपीज से माइनस करोगे तो यूनिट रुपीज होगी. तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम की क्या होगी? सेकेंड. मतलब मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको आप और क्या लिख सकते हो? दिस और दिस. तो दिस इज SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. और अदर यूनिट कौन सी हो सकती है? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल अबाउट एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी. तो ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं? व्हेन वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. There is an American that a driver decreases the speed of the car from 25 meter per second to 10 meter per second. एक driver है जिसने अपनी speed decrease कर ली है, कम कितनी 25 से 10 गया, कितने time में change की अपनी speed? 5 second. तो इसके लिए हम सबसे पहले given लिखेंगे. Initial velocity, initial मतलब जो पहले थी, पहले कितनी velocity थी? 25. क्योंकि इसने बोला डिक्रीज करी है, डिक्रीज करी है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी देन फाइनल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी आपको हमेशा गिवन ऐसे ही लिखना है. इनिशियल वेलोसिटी कौन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से. तो यू इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड. नाउ उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है तो उसकी फाइनल स्पीड अब कितनी हो गई है? 10 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे मैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे कंसिडर हमने किया हुआ है इट इज यूनिफॉर्म मोशन. अब इस 25 से 10 मीटर पर सेकेंड होने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड. तो टाइम टेकन फॉर द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 सेकेंड. ठीक है. अब आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन में टी. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. वी कितना है? 10. माइनस यू कितना है? 25. कितना टाइम लगा उसे? 5. दैट इज माइनस 15 अपॉन 5. ये कितना आ गया? माइनस 3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो माइनस है, माइनस हो रहा है मतलब यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी. ठीक है, माइनस आ रहा है तो माइनस साइन हमें क्या बता रहा है? कि जो स्पीड हो रही है वो डिक्रीज हो रही है. दिस इज रिटार्डेशन. ठीक है. अगर आप एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो आपको साइन लगाना पड़ेगा. बट इफ यू आर राइटिंग रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन तो आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि जब मैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोल रही हूं तो इसका मतलब है मेरी स्पीड डिक्रीज हो रही है. बट व्हेन आई एम राइटिंग इट एक्सेलरेशन तो आई हैव टू मेंशन इट इट इज माइनस 3 कि मैं शो कर रही हूँ कि डिक्रीज हो रही है. बट वाई ड्यूरिंग डूइंग न्यूमेरिकल्स वी ऑलवेज यूज साइन क्योंकि न्यूमेरिकल्स में साइन कंसिडर होते हैं, वर्ड्स कंसिडर नहीं होते. बट वेन यू विल राइट द फाइनल स्टेटमेंट तो यू कैन राइट द रिटार्डेशन ऑफ द कार इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यू कैन राइट द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोनों का मतलब सेम है. बट वाई ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स वी ऑलवेज यूज साइन. Now in this numerical, starting from stationary position. Stationary position का मतलब क्या है? I am at rest. तो मेरी velocity कितनी होगी? 0 होगी. जब भी कोई object rest पे है या stationary position में है तो उसकी velocity 0 होती है. Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Rahul ने bicycle start करी और उसकी velocity कितनी हो गई? 6 meter per second हो गई. कितनी देर में? 30 second में. इसका मतलब उसकी क्या हुई है? एक्सेलरेशन. क्यों एक्सेलरेशन हुई है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी. 0 से कितनी इंक्रीज हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड हो गई. इट मीन्स उसने अपनी
बाइसिकल को क्या किया है, एक्सेलरेट किया है, देन ही अप्लाइज ब्रेक, फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो इसका मतलब अब वेलोसिटी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और इट कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कम होते होते कहां पे आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है दोनों केसेस में, तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। एक्सेलरेशन इन केस वन, केस वन में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी थी, 0, क्योंकि वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। तो फर्स्ट केस हम यहीं तक का कंसिडर करेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, दैट इज वी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। अब 0 से 6 मीटर पर सेकेंड होने में उसने कितना टाइम लिया, 30 सेकेंड, कितना टाइम लिया, 30 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, वी कितना है, 6 माइनस 0, इनिशियल वाज 0, टाइम इज 30, दैट इज 6 अपॉन 30, 1 अपॉन 5, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज अ एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कि वजह से उसकी स्पीड 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितनी देर में, 30 सेकेंड। अब केस टू, अभी आपको ध्यान से समझना है, केस टू के लिए यहां से स्टार्ट हुआ, उसने ब्रेक्स लगाने स्टार्ट किए, अगर उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट किए तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 6, तो अब 6 मीटर पर सेकेंड इस केस के लिए क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, ब्रेक लगाना स्टार्ट किया मीन उसका कम होने लग गया, तो अब हम वेलोसिटी कौन सी कंसिडर करेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो मूव कर रहा है इतने स्पीड से। अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, इट कम्स डाउन टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब इतनी वेलोसिटी 6 से 4 आने में उसे कितना टाइम लगा, नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन वेलोसिटी, हम टोटल टाइम क्यों नहीं ले रहे यहां पे, क्योंकि हमें सिर्फ इतना केस कंसीडर करना है कि उसकी वेलोसिटी अब 6 से 4 हुई है, 6 से 4 होने में उसने कितना टाइम लिया है, नेक्स्ट 5 सेकेंड लिया। तो इस केस में टाइम डिफरेंट होगा, स्टार्टिंग से नहीं लेंगे क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो यहां से यहां होने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, वी माइनस यू अपॉन टी, वी कितना है, 4, यू कितना है, 6 अपॉन 5, दैट इज -2 अपॉन 5, विच इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स माइनस है मीन्स रिटार्डेशन हो रही है, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया मीन्स रिटार्डेशन हुआ, ड्यू एक्सेलरेशन हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस एंड एक्सेलरेशन इन सेकेंड केस। थैंक यू, प्लीज लाइक माई वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल ब्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स।